हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने सेक्शन 5, सेक्शन 7 और सेक्शन 8 इन तीनों सेक्शंस को डिटेल में कवर किया है। हमने बेयर एक्ट के लाइन बाय लाइन हर सेक्शन को पढ़ा है। हिंदू मैरिज एक्ट के बेसिक स्ट्रक्चर को भी हमने अपने पहले क्लास में कंप्लीट किया है, जिसमें हमने एक ओवरव्यू लिया है कि इस एक्ट में कितने सेक्शंस हैं और इस एक्ट में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप उन वीडियोस को पहले देख सकते हो, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर के, वो क्लियर हो जाए। आज इस वीडियो में हम सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट से डील करेंगे। सेक्शन 9 बेसिकली क्या कहता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। हिंदी में आप कह सकते हो दाम्पत्य अधिकारों का पुनः स्थापना। पुनः स्थापन या वैवाहिक अधिकारों का पुनः स्थापना। और इस सेक्शन के साथ ही हम चैप्टर 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में एंटर कर जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट का जो चैप्टर 1 है वो प्रीलिमिनरी है। सेक्शन 1 से लेकर के 4 तक एक बार रिवीजन कर लो। चैप्टर 2 हिंदू मैरिजेस, सेक्शन 5 से लेकर के 8 तक, और चैप्टर 3 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। सेक्शन 9 एंड 10। तो सेक्शन 9 है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, और सेक्शन 10 है जुडिशियल सेपरेशन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो क्या कहता है सेक्शन 9, आइए समझते हैं। व्हेन आइदर द हस्बैंड और वाइफ, तो दोनों के ही बारे में बात हो रहा है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, या तो पति या पत्नी, हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, बिना किसी युक्तियुक्त कारण के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, विथड्रॉन फ्रॉम सोसाइटी ऑफ अदर, अपने आप को दूसरे के लाइफ से अलग कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो दीज आर टू पर्सन्स, हस्बैंड एंड वाइफ, ए इज हस्बैंड, बी इज वाइफ। इन दोनों के बीच हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ था, और कुछ समय बाद बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के, बिना किसी रीजनेबल एक्सक्यूज के, हस्बैंड अपने आप को
अपनी वाइफ के लाइफ से अपने आप को अलग कर लेता है, या वाइफ बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के अलग रहने लगती है हस्बैंड से, जो मैरिटल बॉन्ड है उसे तोड़ देती है, इसके साथ नहीं रहती है, एंड देर इज़ नो एनी स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसका मतलब है कि एक ने दूसरे के लाइफ से खुद को अलग कर लिया है, वन हैज विथड्रॉन हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर, एंड देर इज नो एनी स्ट्रॉन्ग रीजन। तो आगे कहता है, जो अग्रीव्ड पार्टी है मे अप्लाई बाई पिटिशन टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सपोज करो कि अगर हस्बैंड ने ऐसा किया है तो अग्रीव पार्टी कौन हो गई? वाइफ हो गई। या अगर वाइफ ने ऐसा किया है तो अग्रीव पार्टी हस्बैंड। तो ऐसे केसेस में अब हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहा है कि किस कारण से पत्नी ऐसा कर रही है, या पत्नी को नहीं समझ में आ रहा है कि हस्बैंड किस कारण से ऐसा कर रहा है। तो जो अग्रीव पार्टी है वो एक पिटिशन इंस्टीट्यूट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी एक ऐसा पिटिशन जो कि वैवाहिक अधिकारों के पुनः स्थापना के लिए होगा। और इस पिटिशन को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई किया जाएगा, एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सैटिस्फाइड बाय द ट्रुथ ऑफ द स्टेटमेंट mentioned in petition, अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस पार्टी ने जो पिटिशन दायर किया है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को लेकर के, अगर कोर्ट को उस पिटिशन में जो स्टेटमेंट्स हैं वो सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद सही लगते हैं, या कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई लीगल ग्राउंड नहीं है जिसके बेसिस पर इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाए, तो कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिक्री पारित कर देगा। अब एक एग्जांपल, मान लो वाइफ हैज विथड्रॉन हरसेल्फ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ हस्बैंड, तो हियर अग्रीव्ड पार्टी इज हस्बैंड, और हस्बैंड ने पिटिशन दायर किया कोर्ट में सेक्शन 9 का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का। कोर्ट को लगा कि जो भी बातें लिखी गई हैं पिटिशन में वो सही हैं, और कोई अदर लीगल ग्राउंड्स नहीं बनते हैं जिनके बेसिस पर हस्बैंड के इस पिटिशन को डिसमिस कर दिया जाए, तो कोर्ट क्या करेगा, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिक्री पारित कर देगा अगेंस्ट वाइफ, वाइफ के अगेंस्ट। राइट, अब एक्सप्लेनेशन में आओ। Where a question arises whether there has been reasonable excuse for withdrawal from society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from society. Ab suppose karo ki wife had withdrawn herself from the society of husband. अगर वाइफ कहती है कि साहब देर इज रीजनेबल ग्राउंड और देर इज स्ट्रॉन्ग रीजन जिसके वजह से मैंने ऐसा किया है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा उस रीजन को प्रूफ करने का वो वाइफ के ऊपर होगा। कोर्ट में वाइफ को ये प्रूफ करना होगा कि इस रीजन की वजह से उसने अपने आप को पति के लाइफ से अलग किया है, या वो
पत्नी के तौर पे इसके साथ नहीं रहना चाहती। नाउ नोट, क्रुएलिटी कैनॉट बी प्लीडेड एज ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स बाय हस्बैंड इफ ही हैज मूव्ड अ पिटिशन सीकिंग रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स विच इम्प्लाइज दैट ऑल अर्लियर एक्ट्स ऑफ क्रुएलिटी हैज बीन कॉन्डोन्ड। क्या कहता है? सपोज करो हस्बैंड ने पहले ही रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का एक पिटिशन दायर किया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हस्बैंड अब जो है या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिग्री पास हो गई है वाइफ के अगेंस्ट और वाइफ अभी उसके साथ नहीं रह रही है, तो अब जो है डाइवोर्स के लिए हस्बैंड क्रुएलिटी को एक ग्राउंड नहीं बना सकता है, क्योंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो पिटिशन है अपने आप में ये क्लियर करता है कि आप वाइफ के सभी एक्ट को, वाइफ के पिछले सभी गलतियों को माफ करते हुए आप उसके साथ रहने के लिए राजी हो। तो इफ हस्बैंड हैज मूव्ड पिटिशन ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स ही कैनॉट मूव फर्दर पिटिशन ऑफ डाइवोर्स पर्टिकुलरली ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी। क्रुएलिटी के ग्राउंड पर नहीं डाइवोर्स के पिटिशन को मूव किया जाएगा हस्बैंड के द्वारा, अदर ग्राउंड्स के बेसिस पर भले ही मूव किया जा सकता है। यदि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स की डिक्री पारित हो गई है अगेंस्ट वाइफ एंड इन फेवर ऑफ हस्बैंड, लेकिन वाइफ फिर भी हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, तो ठीक है। अब इसी को लेकर के हमारे पास एक केस है, बलदेव राज वर्सेस बिमला शर्मा। बलदेव राज वर्सेस बिमला शर्मा, इस पर्टिकुलर केस में यह कहा गया कि द रिलीफ ऑफ डाइवोर्स कैनॉट बी क्लेम्ड अल्टरनेटिवली इन द पिटिशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पर्टिकुलरली इफ हस्बैंड एडमिटेडली condoned the cruelty and willing to keep his wife with him। तो वही बात है कि if husband has already moved a petition regarding restitution of conjugal rights and if decree has been passed against wife, then also wife is not living with husband, तो अब husband डाइवोर्स का पिटिशन फाइल कर सकता है लेकिन क्रुएलिटी को एक ग्राउंड नहीं बना सकता है, क्योंकि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का पिटिशन अपने आप में ये कंफर्म करता है कि हस्बैंड ने वाइफ के सभी गलतियों को माफ करते हुए उसे अपने साथ रखने के लिए राजी हुआ था, ठीक है। आगे कहता है कन्वीनियंस ऑफ वाइफ इज टू बी कंसिडर्ड by the court while adjudicating the transfer of matrimonial cases। तो matrimonial cases को transfer करते समय wife के convenience को ध्यान में रखेगी court, ठीक है। Despite the decree of restitution of conjugal rights, wife remain stay away on the pretext of illness, it would serve a sufficient ground for grant of decree of divorce to husband on a petition moved after lapse of 2 to 3 years from date of decree of restitution। तो कह रहा है कि मान लो कि restitution of conjugal rights का petition husband ने file किया था family court में वाइफ के अगेंस्ट और कोर्ट ने
रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का जो डिक्री है उसे पारित कर दिया था अगेंस्ट वाइफ एंड इन फेवर ऑफ हस्बैंड। लेकिन फिर भी 2-3 साल तक वाइफ हस्बैंड के साथ नहीं रह रही है, बीमारी का बहाना बना रही है। तो ये अपने आप में एक ग्राउंड है जिस बेसिस पर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 and 3 years फ्रॉम द पासिंग ऑफ डिक्री इन फेवर ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड कैन मूव पिटिशन फॉर डाइवोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड, राइट। लेकिन क्रुएलिटी को ग्राउंड नहीं बनाएगा हस्बैंड। तो अगर सिंपल सी बात है, अगर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का डिक्री पारित हो गया है और वाइफ बहाना बना रही है कि वो बीमार है और वो अपने मायके में रह रही है, 2-3 साल बीत गया है फिर भी वो नहीं आ रही है, तो अब हस्बैंड के पास ये राइट मिल जाता है कि वो डाइवोर्स के लिए एक पिटीशन फाइल कर दे कोर्ट। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस वीडियो में हमने सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को डिटेल में कवर किया। बेयर एक्ट में हमने लाइन बाय लाइन इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ा, हमने केस लॉज देखा और हमने साथ में एक क्विक रिवीजन भी कर लिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, दूसरे वीडियो से थोड़ा भी डिफरेंट लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।